Good morning, friends. My name is Kunal Kumar, and today we are going to start with the first chapter of accounts, class 12, that is NPO. इस चैप्टर का पूरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनपीओ के बारे में और बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इस चैप्टर की, एनपीओ पार्ट 1, एनपीओ पार्ट 2, एनपीओ पार्ट 3। तो जो भी वीडियोस हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और ये जो सीक्वेंसिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यू नॉट सपोज टू मिस एनी ऑफ द वीडियो। अगर आप ऐसा करते हो, मतलब कोई भी वीडियो अगर मिस नहीं होगी, तो आई एम डैम श्योर कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एनपीओ। देखो, बिजनेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है नॉर्मल बिजनेस जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग, दूसरा एक टाइप का बिजनेस होता है जिसमें हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो जिसमें हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मेन रीजन होता है, जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनपीओ की, तो एनपीओ का जो पर्पस होता है वो हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो हम वो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बनाते। यहाँ पे हमारे पास मेनली तीन अकाउंट्स की बात होती है, तीन अकाउंट्स की बात होती है। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। द सेकेंड अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द थर्ड अकाउंट इज बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें इस चैप्टर में बनानी होती है। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, फिर हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंड, फिर क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन वुड बी योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीजें बनानी होती है। तो मैं आपको समझाता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं। बैलेंस शीट तो आप सबको पता ही है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हमारा कैश बुक होता है। आपने 11th में कैश बुक करा है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता था? कैश बुक का फॉर्मेट होता था, अगर आपका कैश इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखते थे, और अगर आपका कैश डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखते थे। इज दैट क्लियर? सेम चीज हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ ही करनी है। मतलब आप इसको मन में ये सोच के चलो जैसे आप कैश बुक बना रहे हो। रिसिप्ट किसकी, पेमेंट किसकी, कैश की होती है ऑब्वियसली। तो जब भी हमारा रिसिप्ट, ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड बन जाती है हमारी रिसिप्ट साइड, और ये वाली साइड हमारी बन जाती है पेमेंट साइड, राइट। तो जब भी हमारा रिसिप्ट बढ़ रही है तो आप इधर लिखोगे, और जब भी हमारा पेमेंट हो रहा है या कैश कम हो रहा है तो इसका मतलब वो आपने इधर लिखना है। एज सिंपल एज दैट। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या वो नेक्स्ट ईयर का। मैं आपको समझाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर होते ही है। जैसे सपोज ये हमारा जिस साल की बात हो रही है, जिस साल में हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस साल में अभी हम हैं, उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। जो हमारा पिछला साल था उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर का हो रिसिप्ट, या रिसिप्ट प्रीवियस ईयर की हो, या वो रिसिप्ट नेक्स्ट ईयर की हो, किसी ने आपको एडवांस ही दे दिया अगले साल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा रिसिप्ट बढ़ रहा है। तो मतलब इसमें आपका चाहे वो करंट ईयर का रिसिप्ट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, आपको तीनों को ही लिखना है, आपको उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है।
ऐसे ही पेमेंट में भी है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, तो आपको तीनों ही लिखने हैं। तो बहुत सिंपल हो जाता है, मतलब आपको सोचने की बात ही नहीं है, जो पैसा आया सब इधर लिख दिया, जो पैसा जा रहा है वो इधर लिख दिया, राइट। एक दूसरा डिफरेंस इसमें आता है कि चाहे वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हो, ठीक है, चाहे वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो, वेदर इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट, वो दोनों इधर आएंगी। चाहे वो हमारी रेवेन्यू पेमेंट हो, चाहे वो हमारी कैपिटल पेमेंट हो, ये दोनों हमारी इधर आएंगी। मतलब हमें इसका भी कोई भेदभाव नहीं करना कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, ठीक है, इसमें भी हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत इजी हो जाता है कि हमें कोई जब डिफरेंस, मतलब हमें कोई सोचना ही नहीं है कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, तो इसका मतलब जो भी कुछ आ रहा है आने दो, जो भी कुछ जा रहा है वो इधर लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो क्या होती है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कि जो रेगुलरली हमें आती जा रही है, ठीक है, जो हमें रेगुलरली आती जाएगी उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो एक बार आनी होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे सपोज बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ने फंड दिया तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया कि जैसे रेगुलरली कोई मुझे जैसे सपोज सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेगुलरली आने, हर मंथ मुझे सब्सक्रिप्शन की फीस आनी है, तो ये क्या हो गया, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। ऐसे रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है कि जैसे सपोज मेरे एम्प्लॉयज हैं एनपीओ में, तो उनको मुझे रेगुलरली सैलरी देनी होती है, तो ये सब क्या हो गया, रेवेन्यू पेमेंट होगी। कैपिटल पेमेंट क्या होगी कि सपोज मुझे कुछ खरीदना है, ठीक है, सपोज मुझे बुक खरीदनी है, तो बुक्स की पेमेंट क्या हो गई, वो क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट। या जैसे मेरे को फिक्स एसेट्स खरीदनी है, तो ये सब क्या हो गई, कैपिटल पेमेंट हो गई, ठीक है। मतलब रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस आपको पता ही है, रेवेन्यू का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, कैपिटल का मतलब जिसका फायदा आपको बहुत टाइम तक मिलता है, जो रेगुलर नहीं होते वो कभी कभार होते हैं, राइट। तो ये आपका बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके हम क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं आपको दूसरे अकाउंट के बारे में भी समझा देता हूँ। एक अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, और ये एग्जैक्टली सेम होता है जैसे आपका पी एंड एल अकाउंट होता है। हम पी एंड एल अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं, हम कौन है, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आपका प्रॉफिट कैसे आ सकता है, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। तो आपने उसका बस नाम चेंज कर दिया, जिसको हमने बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब नाम चेंज हो गया तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा, तो प्रॉफिट का भी नाम चेंज कर दिया। लो, प्रॉफिट का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया, सरप्लस। अगर हमारा जो प्रॉफिट होगा हम उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें सरप्लस हुआ है। और अगर मुझे लॉस होता है तो मैं उसको लॉस भी नहीं बोलूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा डेफिसिट हुआ है। तो पी एंड एल अकाउंट के फॉर्मेट के बेस पे ही हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बस नाम चेंज करके बना दिया। अब डेबिट साइड में इधर क्या होता है, इधर इनकम नहीं आती, जैसे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता था, सारे एक्सपेंडिचर आते थे, तो वही वाली बात है, इसमें एक्सपेंडिचर वाला जो सारा आइटम है वो इधर आएगा, और जो इनकम वाली सारी चीजें हैं वो आपकी इधर आएंगी। तो ये हो गया, इनकम इधर आएगा, एक्सपेंडिचर इधर आएगा। जैसे उसमें क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट था ना, रिसिप्ट लेफ्ट साइड में लिखते हैं और लेफ्ट साइड में ही रिसिप्ट होती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है, पी एंड एल अकाउंट की तरह ही यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर आएगा और दिस साइड वुड बी योर इनकम साइड। अच्छा, इसमें और बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे आपके पास केवल करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर शो होगा, आपको ना तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर शो करना है, ना आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर शो करना। सेम हेयर यहाँ पे, करंट ईयर मतलब ये अकाउंट केवल करंट ईयर से डील करते हैं, ठीक है। इस अकाउंट में एक खासियत और है, केवल आपके रेवेन्यू आइटम्स ही यहाँ पे आएंगे,
आपके रेवेन्यू आइटम्स ही यहाँ पे आएंगे, सेम यहाँ पे रेवेन्यू इनकम ही आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। कैपिटल वाला आइटम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने समझ लिया है कि होता क्या है, और हमने ये भी समझ लिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको बोल देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड सॉरी टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी और मेरा एक्सपेंडिचर कम होगा, तो यहां पे जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं सरप्लस। और अगर सपोज मेरा ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ये वाला कम है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगी, जिसको हम बोल देंगे डेफिसिट, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपकी आती है, दोनों चीज तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। बस आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, और आपको यह भी पता लग गया कि रेवेन्यू चीजें क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। जिसका फायदा एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू होता है जो रेकरिंग होता है, जो रोज रोज सैलरी देनी है, हर महीने देनी है, हर महीने देनी है, हर महीने देनी है, ठीक है। जैसे सपोज मैं सैलरी के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने मुझे एक प्रिंटर खरीदना था, तो मैंने प्रिंटर खरीदा। अब प्रिंटर मैं हर साल तो नहीं खरीद रहा, एक साल खरीदा, वो कम से कम भी 5-10 साल चलेगा, तो उसका मतलब उसको हमने क्या बोल दिया, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इसके आइटम क्या क्या होते हैं वो तो मैं अभी डिस्कस कर ही लूंगा, बट एक बार आपको बेसिक फॉर्मेट समझ आ गया तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को करने में। फिर हमारे पास जो तीसरा अकाउंट होता है वो आती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपको पता ही है कि आपकी लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होती हैं और राइट साइड में आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो नाम भी इसका चेंज नहीं है, तो लेफ्ट साइड में आपकी यहाँ पे आ जाता है लायबिलिटीज और राइट साइड में आपकी आ जाती है एसेट्स, ठीक है। अब क्या होता है लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही हैं, और मैं अभी डिस्कस भी करता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने किसी के भी आइटम डिस्कस नहीं करे हैं। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग विद द टॉपिक दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये मेरे पास बुक है टी एस ग्रेवाल, लेटेस्ट एडिशन है, हालांकि जो पुराने एडिशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो किसी के पास अगर पुराने एडिशन है तो उसको भी रेफर कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, आई होप इट इज क्वाइट विजिबल। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास कुछ आइटम्स इधर होती हैं, कुछ आइटम्स इधर होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बताओ लेफ्ट साइड में क्या आइटम होंगी, वो वाली रिसिप्ट्स, कैश में रिसिप्ट्स जो मुझे, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। देखो इधर मेरे पास ये कैश बुक ही है, अगर मैं इसको काट के लिख दू ना कैश बुक, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली सेम चल रहा है। टू बैलेंस बीडी की कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना है, सब्सक्रिप्शंस मेरे पास कौन कितने भी, कोई भी साल का सब्सक्रिप्शन आया वो इधर लिखेंगे, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, देखो कितने सारे आइटम है। ये वो वाले आइटम है जो हमारे, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, चाहे वो जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि एक बार मिलती है बस, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीट बार बार होता है, तो ये रेवेन्यू हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रेवेन्यू से रिलेट करती हैं, कैपिटल से रिलेट करती है, बट सारी यहाँ पे आएंगी, चाहे वो करंट ईयर को रिलेट करती हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर को रिलेट करती हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर को रिलेट करती हो, ठीक है। और पेमेंट में भी ऐसे ही है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, कितने भी एक्सपेंस हो सकते हैं, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस फीस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो आपका रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है। जैसे सपोज आपने रिपेयर करा, पोस्टेज करा, ठीक है, ये आपके रेवेन्यू हो गए। बुक्स खरीदना आपका कैपिटल होता है, बिल्डिंग खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपका चाहे रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, वो सब आपका इसमें आता है। और फिर जैसे इधर बैलेंस बीडी था, तो इधर अगर बैलेंस फिगर इधर ही बचती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो
इस पे आप पॉज करके, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप एक बार इस पे नजर मार सकते हो। हालांकि इसमें लर्न करने वाला कोई आइटम नहीं है, आपको बस जो मैंने फॉर्मेट समझाया उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो अब हम रेवेन्यू, ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, इस अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन खोला हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस हट गया है, तो ये लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। ये हमारे पास कैश बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बैलेंस हमारा बैलेंस बीडी बन जाता है, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, जो जो पैसा आ रहा है वो इधर लिखते जाओ। सब्सक्रिप्शन पैसा आना इधर आएगा, डोनेशन पैसा आना इधर आएगा, एंट्रेंस फीस पैसा आना इधर आएगा, रेंट रियलाइज पैसा मिल रहा है इधर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अच्छा ये पैसा देना पड़ रहा है इधर आएगा, टैक्सेस इधर देना है, सैलरीज भी देनी है इधर आएगा, ऑनरेरियम देना है इधर आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अच्छा ये रिसीव है तो इधर आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑब्वियसली मेरा खर्चा इधर आएगा, पेटी एक्सपेंसेस इधर आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इधर आएगा, बस आपको जो बैलेंस आ गया वो इधर लिख देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, ये मैं इधर फोकस कर रहा हूं, इसको पॉज करके आप ये वाला जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है इसको आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो आपने इलस्ट्रेशन 1 एक बार आपने खुद ट्राई करना है, इलस्ट्रेशन 1 आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है मैं यहाँ पे ही आपको दे रहा हूं ताकि आप यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को देख के फिर आप सॉल्यूशन करें, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी बता रहा हूं, इलस्ट्रेशन 3 भी आपने खुद करना है, क्योंकि एक बार आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपका थोड़ा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन है इधर सॉल्यूशन है, बट यू ट्राई कि आप केवल क्वेश्चन को देखो सॉल्यूशन मत देखो, राइट, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ कंसेप्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।